नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आज आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रणथंभौर के जीप सफारी की। तो रणथंभौर में जीप सफारी करना हुआ डिफ़िकल्ट, यह वर्ड तो आपने सारे सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज़ चैनलों पे, सब जगह आपने सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे रणथंभौर में इतना डिफ़िकल्ट कैसे हो गया जीप सफारी करना, और कैसे हुआ, कुछ इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, तो मैं आज आपको बता दूं कि रणथंभौर में सफारी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों हो गया है कि भाई, जो लोग कुछ दिन पहले अपना प्लान बनाते हैं रणथंभौर में सफारी करने के लिए, और उनको चाहिए होता है कि भाई हम जीप सफारी ही करेंगे, तो वह लोग तो जीप सफारी नहीं कर सकते। अगर वह जीप सफारी करेंगे तो उनको दुगना या तिगना पैसा देना पड़ेगा, या उनको तत्काल में सफारी करनी पड़ेगी। तो कैसे, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, और रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में लोग सब जानते हैं कि भाई यह रणथंभौर नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। रणथंभौर नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व पार्क है, और यह टाइगर सेटिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। तो रणथंभौर में इतना डिफ़िकल्ट कैसे हो गया, क्योंकि 1 अक्टूबर से इन्होंने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ नियम चेंज किए हैं। तो क्या क्या वो चेंज किए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने हाफ डे फुल डे सफारी रणथंभौर में क्लोज कर दी है। रणथंभौर के साथ आई थिंक झालाना में भी इन्होंने क्लोज कर दी है। तो हाफ डे सफारी, फुल डे सफारी क्या होती थी? हाफ डे और फुल डे, आप रणथंभौर नेशनल पार्क की अगर हाफ डे फुल डे सफारी करते हो, तो आप, हाफ डे मींस लाइक 6 आवर्स यू आर इन द पार्क, लाइक 6 घंटे आप सफारी कर सकते थे। और अगर फुल डे करते हो तो 12 घंटे आप सफारी रणथंभौर की कर सकते थे। तो हाफ डे फुल डे में क्या होता था बेसिकली, हाफ डे फुल डे में बेसिकली होता था कि अगर आपने हाफ डे बुक किया है, तो हाफ डे होती थी 6 आवर्स की। सो 6 आवर्स में से 3 आवर्स आपको रणथंभौर के जोन 1-5 में रहना पड़ता था, और उसके बाद में जो आपके 3 आवर्स बचते थे, वह आप 6-10 में आपको जाना पड़ता था। तो यह थी हाफ डे सफारी। फुल डे सफारी में भी सेम सिस्टम यही था कि 3 आवर्स मॉर्निंग में आपको 1-5 में रहना पड़ेगा, और 3 आवर्स आफ्टरनून की जो सफारी होती है, नॉर्मल सफारी, उसके बाद में आप वहां जा सकते हैं। मतलब 6 आवर्स आप 1-5 जोन में रहेंगे, और 6 आवर आप बफर जोन में रहेंगे। बफर मींस लाइक 6-10 में रहेंगे। 6-10 जोन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वह जोन बेकार है, लेकिन वहाँ टाइगर सेटिंग थोड़ी सी पुअर होती है, लेकिन अगर होती है तो बहुत ही शानदार होती है। तो हाफ डे फुल डे सफारी को तो अब आप बिल्कुल भूल जाओ। अब हम बात करते हैं रणथंभौर के जीप सफारी की। तो इससे पहले रणथंभौर में क्या होता था कि रणथंभौर में कुछ जिप्सी ये एडवांस कोटे में देते थे। तो जो लोग अपना प्लान, प्रीपेड प्लान था, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वह प्लान बना लेते थे, तो वह आराम से अपनी जीप बुक कर लेते थे। लेकिन जो लोग सेम डे या कुछ दिन पहले ही प्लान बनाते थे रणथंभौर में आने का और सफारी करने का, तो उनके पास एक और कोटा होता था, वह कोटा था करंट कोटा। तो इन्होंने करंट कोटे की रेट और एडवांस की रेट सेम थी, लेकिन ये एजेंटों के थ्रू मिल जाया करती थी, और कुछ एक नॉमिनल चार्ज लेके वो सफारी बुक कर देते थे, या कुछ लोग लकीली मिल जाती थी। लेकिन अब वह नहीं कर सकते। लेकिन अब आप कुछ दिन पहले आपका रणथंभौर करने का विजिट प्लान करते हैं, तो आपको ओनली सफारी कैंटर से ही करनी पड़ेगी, और कैंटर से ही जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ चांस है, या फिर आप तत्काल जिप्सी बुक करो। तत्काल जिप्सी कैसे बुक करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर एक स्पेशल वीडियो फॉर तत्काल जिप्सी का बना दूंगा। तो हम बात करते हैं अब
कैंटर की। कैंटर ऐसा नहीं है बेकार है, कैंटर बहुत ही अच्छा है, वह ओपन होता है। कैंटर और जिप्सी दोनों ही व्हीकल ओपन होते हैं। कैंटर में 20 लोग जाते हैं, जिप्सी में 6 लोग जाते हैं। अब अगर आप रणथंभौर का विजिट करने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाते हैं तो आपको या तो तत्काल जिप्सी बुक करनी पड़ेगी या आपको कैंटर से जाना पड़ेगा। दो ही आपके पास ऑप्शन है और कैंटर भी अब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं। बेसिकली हॉलीडेज में तो आपको कैंटर बहुत डिफ़िकल्टी से मिलेंगे और पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और वह भी एजेंटों के थ्रू बुक करना होगा। तो मैं कुछ और डिटेल में आपको बता दूं कि करंट सफारी बेसिकली होती क्या थी। करंट सफारी इट मींस लाइक सेम डे आफ्टरनून नेक्स्ट डे मॉर्निंग, एक दिन पहले यह सफारी खुलती थी और ये सारे जोन्स में दो दो जिप्सियाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज करता था, देता था। तो जो एजेंट थे या जो भी गेस्ट थे जिनको पुष्ट थे वह अपनी दो दो चार चार सीट बुक करके और अपनी सफारी जीप से कर लिया करते थे और पैसा वही लगता था। लेकिन अब यह इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है और इस कोटे को इन्होंने एडवांस में डाल दिया है। और अब अगर आपको जीप सफारी करनी है कि भाई मुझे तो जीप में ही जाना है तो आपको आपका प्लान और पैसे भी कम देने हैं तो आपको आपका प्लान कम से भी कम 6 मंथ पहले बनाना पड़ेगा, तब ही आपको रणथंभौर की जीप सफारी अच्छे जोन्स की मिल सकती है। और या फिर तत्काल कोटे में 7 दिन पहले आप आपकी सफारी बुक कर सकते हो और यह तत्काल भी मिलना, एक तो आपको बहुत मोटी फीस देनी पड़ेगी। लगभग तत्काल की जीप सफारी की रेट 18,500 रुपये है, लगभग अप्रोक्सीमेटली है यह तो। और यह भी 7 दिन पहले बुक होती है और 7 दिन में अगर आप एक भी दिन पहले अगर चूक गए तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जिप्सी यहाँ पे बिल्कुल अभी लिमिटेड कर दी है। आप सफारी कैंटर से कर सकते हो। कैंटर ऐसा नहीं है कि भाई कैंटर बेकार है, जो लोग घूमने आते हैं जिनको एक या दो सफारी करते हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफर नहीं है तो वह अपनी सफारी आराम से कैंटर से कर सकते हैं। कैंटर से सफारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, 20 लोग उसमें जाते हैं और पूरा 20 ही सीटें वो भर कर जाएगा और उसमें चांस थोड़ा सा यह होता है कि वो थोड़ा लेट सेट हो जाता है और कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप में उसने जोन 3 बुक किया है तो वो जोन 3 पे ही जाएगा और पूरे 3 घंटे की आपको सफारी कराएगा। तो ऐसा नहीं है कि कैंटर बेकार है, लेकिन जो लोग वाइल्ड लाइफर है, जो लोग फोटोग्राफर है, जो लोग अभी नए फोटोग्राफर बनने जा रहे हैं तो उनके लिए कैंटर तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कैंटर में फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो सेक हो जाता है। तो वीडियो या फोटोग्राफी आप कैंटर में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो आपको अपनी सफारी कैंटर से भी कर लेना चाहिए क्योंकि आप एक वाइल्ड लाइफ पार्क में जा रहे हो तो वाइल्ड लाइफ में जाकर सफारी करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और वाइल्ड लाइफ में अगर आप जाते रहोगे तो एवरी डे एवरी आवर्स डिफरेंट होता है। वाइल्ड लाइफ का कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आज वाइल्ड लाइफ में क्या होने वाला है। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही आपको हमारे चैनल में वीडियो मिलते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो कि भाई तत्काल क्या होती है, करंट क्या होती है, करंट को तो अब आप भूल ही जाओ, सफारी करनी है तो कैंटर से या फिर तत्काल बुकिंग, और अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आया या तत्काल सफारी बुक करनी है या कुछ भी करना है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट करके मुझे से पूछ सकते हैं। 100% आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, 100% रियल मिलेगी, कोई फैक नहीं मिलेगा। जो भी रियलिटी जो भी है वो हम आपको बिल्कुल ट्रूली बताएंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आप हमें कमेंट करते रहिए कि आपको हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियो कैसे लगते हैं और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड
सफारी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर मैं फ्री हूँ तो आपको ज़रूर कमेंट का जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत और थैंक्स फॉर वॉचिंग।